Hi friends, today we will learn class 5th Hindi book Rimjhim, chapter 6, Chitti Ka Safar. This is part 2. So let's start. Ticket Sangrah ka shauk kaafi lokpriya hai. ये जो टिकट होती हैं ऐसे ऐसे ही देखो ये कुछ ऐसी होती हैं, इनका शौक सभी को है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसमें धीरे धीरे करके टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी हुई और भी कई चीज़ें शामिल हो चुकी हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा, इसको डाक का विज्ञान कहना रोंग नहीं है। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? क्या आप जानते हो कि ये जो विज्ञान है इसको क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो, यहाँ पे ये आप पता करो और लिखो। की इस्तेमाल नहीं किया गया है, का इस्तेमाल नहीं किया गया है इस वर्ड का जो आप लिखोगे। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता है। ये जो फर्क है वो सिर्फ किसका नहीं है, डाक का नहीं है, सिर्फ पिन कोड का नहीं है, सिर्फ उससे डाक से सेवाओं निरंतरों का भी बदलाव विकास होता है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा जाता था। पहले कबूतरों द्वारा संदेश भेजा जाता था, कबूतर ले जाते थे संदेश। सब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो इन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते थे। देखो इस समय ना संदेश वाहक कबूतरों की बात कर रहे हैं तो इसमें इंसान की बात ना क्यों ना हो जो डाक पहुंचाते थे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, जब ये संचार और परिवहन के साधन सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। यहाँ बात हो रही है वो ऐसे हरकारों जो दौड़कर पैदल चलकर आम आदमी को चिट्ठी या पत्र पहुंचाते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे होते थे। ये जो राजा होते थे उनके पास तो घोड़े पे सवार होकर जाते थे वो पत्र पहुंचाने। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर संदेश पहुंचाना होता था, इन हरकारों को सिर्फ सही जगह संदेश नहीं पहुंचाना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी, क्योंकि इस चिट्ठी की भी रक्षा करनी होती थी। डाकू लुटेरे या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। ये डाकू होते हैं, लुटेरे, जंगली जानवरों की चपेट में कहीं ये आना चाहे तो उसका डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम का पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। आज भी ये जो भारतीय डाक सेवा दुर्गम ये अभी भी पहाड़ी इलाकों पर हरकारों द्वारा ही निर्भर करती है पहुंचाने के लिए डाक। जम्मू कश्मीर के लहाड़ खंड में पदम जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर में यहाँ खंड जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां पर हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के लिए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। कुछ नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जाते हैं, और भी बहुत सारे साधन इस्तेमाल किए जाते हैं। डाक विभाग भी पत्र मनी ऑर्डर
के साथ साथ ईमेल बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचाता है। ये जो डाक विभाग है वो पत्र मनाई और मनी ऑर्डर के साथ साथ और भी बहुत और ईमेल बधाई कार्ड भी पहुंचाता है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। कबूतरों की उड़ान को लेकर ये जो हवाई डाक सेवा है उनका सफ़र दिलचस्प है। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसे पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। ये आश्चर्य की बात है कि कबूतर जैसा कोई पक्षी संदेश वाहक हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश ले जाने का काम नहीं करती। ये कबूतरों की भी बहुत सारी प्रजातियां होती है पर ये सब संदेश लाने ले जाने का काम नहीं करती, जिससे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। जिसे प्रत्यक्ष डाक पहले उसको सिखाते हैं कि क्या कुछ करना, फिर उसको लाया जाता है इस काम में। आखिर कबूतर अपना रास्ता कैसे लेता है? आखिर ये जो कबूतर होते हैं वो अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेते हैं? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। उन प्रवासी पक्षियों के बारे में आप सोचो और पता करो कि वो कैसे इतनी सारी माइल्स का रास्ता तय कर लेते हैं। ये यहाँ पे कुछ दिया गया, लेट्स रीड इट। ओडिशा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य में कई दुर्गम इलाकों में पहुँचाने के लिए कर रही है। ये जो ओडिशा पुलिस है वो खास तौर पर ये इन हुमर वाले कबूतरों का जैसे ये डाक पहुंचाने में काम कर रही हैं ये कबूतर ओडिशा में। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कानून व्यवस्था या संकट में अन्य मौकों पर ये जो कबूतर हैं वो बहुत उपयोगी साबित किए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। ये जो कबूतरों की सेवा है, ये संदेश सेवा, वो बहुत ही सस्ती है, उस पर खास खर्च नहीं आता कोई। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है। ये जो कबूतर है इनका जीवन होता है 15 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स तक। 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। ये जब 8 या 10 ईयर्स के होते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। जब तक स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। ये जो कबूतर होता है जो बिल्कुल हेल्दी होता है वो 1000 किलोमीटर दूर जा सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। ये जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट मैसेज होता है तो 2 कबूतरों को भेजा 2 पिजन्स को भेजा जाता है ताकि अगर ये बाज के हमले जैसी कोई भी और वो हो ना तो ये जो दूसरा कबूतर है वो ये डाक पहुँचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो तो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। शायद ये जो तुमने पढ़ा है ये पढ़कर तुम दूसरे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो तो जो कि विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट
से अंग्रेजी में छपी एक किताब में ही दी गई है। इस कबूतर की कहानी है जो एक बुक ट्रस्ट है, अंग्रेजी में छपी हुई है। ये बुक इंग्लिश में है। किताब का नाम है, इस बुक का नेम है ग्रेंक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। इस बुक का नाम है ग्रेनेक, जो कि इस किताब के इस बुक के हीरो का भी नाम है ग्रेनेक। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। अगर तुम ये किताब हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो नेशनल बुक ट्रस्ट को लेटर लिखो कि वो इस किताब को हिंदी में छापे। यह रहा उनका पता, ये उनका एड्रेस है, नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशन एरिया फेज, नेहरू भवन है 5 इंस्टीट्यूशन एरिया फेज, 11 वसंत कुंज, 11 वसंत कुंज, नई दिल्ली, ये पिन कोड 110070, ये वहाँ का पिन कोड है। In next video we will do its question answers and back exercise. If you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.